प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को नोटिस देना और कर्मचारियों द्वारा उनका जवाब देना आम बात है, लेकिन एक पेज के नोटिस का जवाब 300 पेज में देना एक अजीब सा मामला है। हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक स्कूल पुनोन के एक दिव्यांग शिक्षक विवेकानंद मिश्रा की, जिन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को एक नोटिस देकर जवाब मांगे जाने पर उनको 300 पेज में जवाब दिया है। शिक्षक का कहना है कि उसे संकुल प्राचार्य द्वारा बदलने की भावना से न केवल परेशान किया जा रहा है, बल्कि SC ST एक्ट में फंसाने को और नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी भी दी जा रही है। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला संकुल प्राचार्य दिगोड़ा RK मित्र और शासकीय प्राथमिक शाला पुनोन के शिक्षक विवेकानंद मिश्रा के बीच का है। शिक्षक विवेकानंद के द्वारा विभाग में अनैतिक तरीके से कर्मचारियों की लगाई गई ODI सहित कुछ अन्य जानकारी RTI के तहत मांगी गई थी, जिससे नाराज होकर संकुल प्राचार्य के द्वारा बदले की भावना से जिले के बड़े अधिकारियों को गुमराह करते हुए प्रतिवेदन भेजकर शिक्षक को दबाने व परेशान करने का काम किया जा रहा है। और इसी के चलते संकुल प्राचार्य द्वारा विवेकानंद मिश्रा के खिलाफ शिक्षा विभाग को एक प्रतिवेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की गई। यह संकुल प्राचार्य द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर 5 अक्टूबर 2020 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक को एक नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके जवाब में आज शिक्षक विवेकानंद मिश्रा के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर 300 पेज का नोटिस का जवाब भेजा गया है। शिक्षक का कहना है कि अगर संकुल प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह भोपाल जाकर न्याय की गुहार लगाएगा। बुंदेली तरकस के लिए टीकमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। DO कार्यालय हम इसलिए आए हैं कि हमारे नाम से नोटिस आया है, जिसमें 282 शिक्षकों पर कार्रवाई न करके केवल मेरे ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में मैंने 300 पेजों का नोटिस बना करके आपके सामने DO साहब के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उसमें केवल नोटिस निकालने का कारण एक ही है कि मैंने संकुल प्राचार्य RK मैथी दिगोड़ा के लिए यहाँ से RTI के तहत जानकारी मांगी है कि आपके यहाँ पे आसंजन में ड्यूटी जो लगाई जाती है ODI में, उसमें क्या राजपत्रित अधिकारियों को ODI पर लगाने का अधिकार या आदेश आपके पास में है, और उनको सालों तक कई साल भर से ODI पर लगाने का अधिकार या आदेश आपके पास में है, यह RTI में मैंने जानकारी मांगी, उसके कारण से आप लोगों ने नाराज होकर के मेरे लिए नोटिस निकाल दिया गया, और जिस नोटिस में मेरे 2 इंक्रीमेंट बंद करने की कार्रवाई की जाएगी इस प्रकार का नोटिस मुझे दिया गया है। और हमारी जो सर्विस सिक्योर से प्रथम ज्वाइनिंग मुख्यपालन अधिकारी की प्रथम मतलब जो प्रथम उपस्थिति थी, वह भी श्रीमान RK मैथ्यू संकुल प्राचार्य दिगोड़ा के द्वारा निकाल ली गई है, जो कि मैंने कई बार उनसे निवेदन करके फ़ोन करके मांगी भी है और वो मुझे नहीं दी जा रही है, जिसके कारण मेरा 6वां वेतनमान 7वां वेतनमान और इंक्रीमेंट और क्रमोन्नति आदि अन्य चीज़ें भी रुकी हुई हैं। जिला पंचायत के द्वारा कार्रवाई करवाने की हमें धमकी दी जा रही है, मुझे सस्पेंड कराने की धमकी भी दी जा रही है, और साथ में नौकरी से बर्खास्त कराने तक की धमकी दी जा रही है, हाइजन एक्ट लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। हमारे संकुल प्राचार्य RK मैथ्यू दिगोड़ा। तो आज आप आए हैं DO साहब के पास में, क्या आश्वासन दिया? हम इस आश्वासन से आए हैं कि श्रीमान जी हमें न्याय दिलाने की कोशिश की जाए, और जो कि आपको गलत जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों को श्रीमान RK मैथ्यू दिगोड़ा के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है और गलत जानकारियां दे देकर हमारे खिलाफ में नोटिस निकाले जा रहे हैं। श्रीमान जी हमें जब निराकरण नहीं मिलेगा तब हम अंतिम स्थिति होगी कि हम वरिष्ठ अधिकारियों के भोपाल में जा कर के उनके पास में आवेदन देंगे, और आवेदन देने के बाद में अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर अंतिम कार्रवाई और
करेंगे।